सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉक में। और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से सुबह के लगभग 10 हो रही है और ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है। और आज ना काफ़ी देर से हो रही है ब्लॉगिंग स्टार्ट, क्योंकि घर में काफ़ी सारा काम था, नाश्ता वगैरह बनाया, नाश्ता वगैरह किया और गौशाला ना गाय भैंसों को चारा पत्ती डाल के पानी भी पिला दिया है। और यहाँ बाहर पे मैंने ना बड़ा पतीला रख रखा है जिसको पहाड़ी गीजर बोला जाता है। तो ये देखिए भाई, इस पर मैंने अपने लिए पानी रख रखा था गर्म करने के लिए और यहाँ पे आग भी बुझ गई है। आज हम कहीं नहीं गए क्योंकि सुबह सुबह ना हम गांव के चाचा ने ना सीमेंट सारा हमारा, वो भी फाटा मार्केट से। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि हमने ढाबे पे रख रखे थे सीमेंट के कट्टे, तो आज ना चाचा जी ने ना दो चक्कर मारे सीमेंट, मतलब सीमेंट सारा खचरों में, तो खचरों में ना सीमेंट सारा, वो भी दो चक्कर में 8 कट्टे आए, 4 एक चक्कर में और 4 दूसरे चक्कर में। तो अभी यहाँ पे भाई कर रहा है मम्मी की मदद और जो सीमेंट के जो कट्टे हैं ना तो उनको हम रखेंगे यहाँ की साइड। तो 3 कट्टे यहाँ पे रख दिए हैं। तो रोहित भारी भी हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मम्मी और रोहित लगे हुए हैं सीमेंट के कट्टे एक साइड पे रखने के लिए। रोहित बोल रहा है हल्का हो रहा है, पर ये देखिए भाई तो एक साइड पे हम सीमेंट के कट्टे रखेंगे और दूसरी साइड हमने रख रखा है सूखा घास। ये देखिए भाई, तो यहाँ पे लगभग होंगे 200-250 पुलिया घास की। तो दोस्तों ना 8 कट्टे हमने यहाँ रख दिए हैं सीमेंट के, बाकी अभी 11-12 कट्टे बाकी रह रखे हैं, तो वो कल आएंगे, कल परसों तक सीमेंट भी आ जाएगा घर। मैंने और भाई ने ना अंदर भी रख दिया है सीमेंट को, बाकी अब मैंने यहाँ पे पानी रखा था गर्म करने के लिए, तो पानी भी गर्म हो गया है, नहाती हूँ फिर मिलते हैं आप लोगों से। और हाथ भी और कपड़े भी सीमेंट के हो गए हैं, मतलब सीमेंट लग गया है। तो दोस्तों मैं नहा भी गई हूँ और यहाँ पे लंच करने भी लग गए हैं और मम्मी ने ना लंच भी बना दिया है, बाकी भाई लंच करने लग गया है। तो रोहित कैसा हो रहा है लंच? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मम्मी ने मेरे को भी लंच परोस दिया है, तो गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं यहाँ धूप पे। तो अब लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो लंच किया और बर्तन वगैरह धोए और मैं रेडी भी हो गई हूँ, बाकी यहाँ पे मम्मी ने बैग भी रेडी कर दिया है, इसमें रखा हुआ है सामान। और आज मेरी तैयारी हो गई है त्रिजुगी नारायण जाने की, अपनी जेठी माँ के यहाँ जाऊँगी। तो चलिए जी चलते हैं। और ना अच्छी वाली धूप खिली हुई थी, लेकिन अभी काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और धूप भी देखिए भाई नहीं है और आसमान में काले बादल भी छा गए हैं, लगता है फिर से शाम के टाइम बारिश आएगी। हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो मोनिका जा रही है ऊपर अपने जेठी माँ के घर, तो मैंने जाना था, यहाँ काम लगा हुआ है, लेबर 4-5 लेबर लगी हुई है, उनको चाय पानी भी देना है और रोहित के हो रहे हैं प्री होल्ड और वो ऐसे ही 2 भैंस गाय, तो मैंने इसको भेज रही हूँ ऊपर। तो आप लोग वीडियो में बने रहना और वहाँ की वीडियो भी ज़रूर देखना। चलिए जी अब चलते हैं त्रिजुगी नारायण अपनी जेठी माँ के यहाँ। और जेठी माँ लोग ना सिर से आ रखे हैं क्योंकि वहाँ ना कोथिंग हो रहा है, तो कोथिंग में जा रखे हैं। और जेठी माँ लोगों को ना मैं सोमप्रयाग में रुकूंगी शायद, या तो वो रुकेंगे या तो मैं रुकूंगी। बाकी बैग भी फुल है और एक थैला हाथ में है, लेकिन इसमें ना कुछ नहीं है, इसमें ना चार्जर वगैरह है और एक टोपी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगता है ना वहाँ, तब रखी हुई है मेरी टोपी। तो चलिए जी अब चलते हैं और सबसे पहले तो मुझे ना फाटा मार्केट जाना है। Thank you.
पैदल वाला रास्ता तय करने के बाद मैं पहुंच गई हूँ रोड में। वैसे तो मैं रोड से ना अपने मतलब अपने गांव के रास्ते से ना काफ़ी दूर आ गई हूँ। अब फाटा मार्केट पहुंचने ही वाली हूँ, तो चलिए जी अब फाटा मार्केट चलते हैं। अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने मेन मार्केट फाटा मार्केट में। तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ गाड़ी का वेट, लोकल गाड़ी का। तो चलिए जी फाइनली फाटा मार्केट से मुझे गाड़ी भी मिल गई है, तो यहाँ से जाऊँगी मैं सोमप्रयाग तक लोकल गाड़ी में। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ सोमप्रयाग में। बाकी भाई तो अगस्तोनी जा रखा है और इतना ठंडा लग रहा है ना यहाँ कि बोले ही क्या। और जब मैं यहाँ आई थी ना तो मतलब मैंने टोपी नहीं पहनी थी, अभी मैंने टोपी पहन ली है और यहाँ ना हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, इतना ठंडा हो रहा है ना, बाप रे बोले ही क्या। आ रखी हूँ मामा जी के होटल पर और यहाँ पर मैं कर रही हूँ जेठिमा और ताऊ जी का वेट, तो वो आने ही वाले हैं। और आजकल सोमप्रयाग की जो पार्किंग है ना वो देखिए बिल्कुल खाली खाली सी हो रखी है, और सीजन के टाइम ना पार्किंग में पैर रखने की जगह नहीं रहती है क्योंकि पार्किंग इतनी फुल रहती है और यात्रा सीजन फुल रहता है यहाँ नीचे की पार्किंग और उधर की साइड, और काफ़ी ज़्यादा हलचल रहती है के टाइम ना सोमप्रयाग में, काफ़ी भीड़ रहती है। और यहाँ नीचे है भैया लोगों का होटल, बाकी मैं अभी हूँ मामा लोगों के होटल पर, तभी यहाँ कोई नहीं है। बाकी सुधांशु भैया ना नानी को लेके ऊपर त्रिजी नारायण जा रखा है, मतलब छोड़ने जा रखा है। यहाँ सामने वाली पहाड़ी पे देखिए भाई कोहरा छा गया है, मतलब उतनी बारिश आने वाली है और बर्फबारी होने वाली है, बाबरे बोले हैं क्या। और हाथ ना बिल्कुल ठंड से जाम से हो गए हैं। चलिए जी अभी चलते हैं गाड़ी में। और यहाँ ऊपर की पहाड़ियों पर देखिए भाई अभी बर्फ भी गिर गई है। मैं लोगों को नहीं रुकूंगी क्योंकि वो आ ही रहे हैं, अभी वो सेल्सी ही हैं, शायद वो मामा लोगों के साथ आएंगे। और नानी ने मेरे को बोला कि हम झोसी में रुक रहे हैं तो अभी हमारे साथ आ जा, तो अब मैं नानी इनों के साथ चलती हूँ त्रिजी की नारायण। तो दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं त्रिजुगी नारायण में। बाकी यहाँ से मामा भी हैं, तो मामा जी ऊपर मामी लोगों के यहाँ जा रहे हैं, बाकी यहाँ पर नानी जी उतर रही हैं, तो हम जा रहे हैं जेठी माँ के यहाँ, मामा लोगों के यहाँ कल जाएंगे। तो चलिए जी अब चलते हैं ऊपर। तो फाइनली पहुंच गए हैं जेठी माँ के घर पर, बाकी ताऊ जी डिनर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बाकी नानी भी किचन में बैठी हुई है। और आज ना अंधेरा भी हो गया यहाँ पहुँचते पहुँचते, मतलब त्रिजी नारायण पहुँचते पहुँचते, भाव रहे यहाँ तो इतनी ठंड है ना कि बोले ही क्या। और जेठी माँ भी आ गई है, तो नीचे आ रही है जेठी माँ, तो मैं जेठी माँ के साथ नहीं आई, मैं आई नानी के साथ। तो अभी जेठी माँ अभी आ गई है यहाँ पर, तो जेठी माँ कैसा लगा कोथिक? वो बड़े लग गया बढ़िया हुई पनु नाच, मैं भाभी बोलू नहीं तो तौके मी तो पनु नाचा पनु करे ना वापस आ मी मैं लोग आई घर आंधी और हुएगी मैं माँ आई। आज जेठी माँ के घर पे मेहमान आ गए, फुल मेहमान है, मेहमान भी रोटी वोटी आउ। मैंने ना डिनर भी बना दिया है और ताऊ जी सब्जी बना रहे हैं। तो जेठी माँ अभी आई भैया गया लेने के लिए, और जेठी माँ को काफी ज्यादा थकान लग गई, सुबह में चले गई थी। हाँ तो अब डिनर कर लेते हैं, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।